कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन, क्वालिटी मसल बिल्डिंग फॉर हाई प्रोफाइल बॉडी बिल्डर. 5, 6, 7. निकले थोड़े पंख बाहर, निकल जाएंगे. 5, लेफ्ट से मक्खन नहीं है. 6, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर. इसी के साथ आगाज करेंगे एक नए व्लॉग का. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा कि लास्ट वीक वीडियो व्लॉग कुछ भी नहीं आया और चैनल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया कि फ्राइडे को वीडियो नहीं आया. बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, बट मैं किसी काम में व्यस्त था, वीडियो नहीं बना पाया. जिस काम में व्यस्त था वो भी यूट्यूब के लिए ही हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा. बट इसके बाद बहुत सारा कॉन्टेंट आप सभी लोगों के लिए कुछ यूनिक बनाने की कोशिश है, उसी की वजह से वीडियो नहीं आ पाया. बट अब वीडियो आएंगे और इंटरेस्टिंग आएंगे. आज का व्लॉग जो होगा हम बहुत क्विक करेंगे, तो यानी आपको 40 मिनट वेट नहीं करनी. छोटा व्लॉग बनाएंगे, बट इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही बेस्ट ट्रेनिंग शेयर करने वाला हूं. वो क्या है? वो है मेरी सीक्रेट, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपने लैट मसल, बैक को तो आप ट्रेन करते हो, बट क्या अपने लैट्स मसल को इंडिविजुअली ट्रेन करते हो? तो मैं करता हूं. तो मेरा जो भी ये लैट्स वर्कआउट रूटीन है, ये मेरा सीक्रेट है. और इस सीक्रेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत सारे लोगों को होता है कि हम वी टेपर यानी वी शेप बॉडी कैसे बना सकते हैं, तो इस ट्रेनिंग पैटर्न से आप वी शेप बॉडी बना सकते हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लैट मसल को टारगेट करेंगी. और आप हो हिंदुस्तान के नंबर वन फिटनेस यूट्यूब चैनल पे, इसीलिए प्यार बनाए रखें. हम आपके समक्ष आते रहेंगे, इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे. पर नंबर वन बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और अच्छी लगे तो नीचे एक सुंदर सा कमेंट आप कर दिया करो. ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जाएंगे अपर फ्लोर. लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं लैट मसल को ट्रेन करने के लिए, वो है वन आर्म लो पुली रो. पुली को हमने सबसे नीचे लगा लिया यहाँ पे, और ये मेरा फर्स्ट सेट है. तो फर्स्ट सेट होगा काइंड ऑफ वार्म अप, बस आप देखते रहो कि कैसे करते हैं. वार्म अप मैं कर रहा हूँ 20 kg से. फिफ्टीन. जैसे ही 15 रेपिटेशन हो गएंगे तो दूसरे हाथ से हम करेंगे 15. पोस्चर आपने देख लिया, नी को सॉफ्ट रखना है और बॉडी को 45 डिग्री बेंड रखना है, चेस्ट लिफ्ट, और हैंडल को आपको पूरा पुल करना है और हाफ द वे आके, जब तक आपका लैट मसल अच्छे से स्क्वीज ना हो जाए, और फिर पूरा स्ट्रेच करो. ये 2, 3, 4, 5, 6, 14 and 15. तो ये हमारा वार्म अप सेट हो गया.
तीन सेट करेंगे, तो वार्म अप हो गया। एंड एज आई ऑलवेज सेड कि एक हम करेंगे मीडियम वेट से और एक करेंगे फेलियर, और लैट मसल करते हुए आपको उतनी थकान नहीं होती, तो रेस्ट बिटवीन सेट कम रखेंगे, क्योंकि जब हम एक हाथ से पुली कर रहे हैं तो दूसरे हाथ तो रेस्टेड है ना, तो दूसरे से किया तो ये रेस्टेड है, तो ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी 60 सेकंड तो रेस्ट ले सकते हैं। तो बातें कम काम ज़्यादा। सेकंड सेट जो कि हमारा होगा मीडियम वेट से 35 किलो 35 केजी, क्योंकि राइट हैंड से हमने शुरू किया था तो राइट हैंड से ही हम शुरू करेंगे। और आपको स्क्वीज करना है ये पूरा, 3, 4, 5, 13 स्क्वीज, 14 एंड 15, 15 तो दूसरे हाथ से भी 15 करेंगे। और एक बात और देखने वाली है, हैंडल को लैट मसल से पुल करना है, इन्वॉल्व करो जितना कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 1। और जैसे कि आपने देखा मैंने 15 कर लिया, तो यानी वेट बढ़ाने का स्कोप है, स्कोप ही स्कोप है, बॉडी बनने का भी स्कोप है अभी, तो अगले सेट में वेट बढ़ाया जा सकता है। और नंबर ऑफ रेपिटेशन को 12 तक अगर रखेंगे देन इट्स फाइन। और सुनाओ कैसे हो, सब ठीक ठाक हो, वर्कआउट सही चल रहा है? चेस्ट, बैक, लेग्स, आर्म्स, शोल्डर, ये तो आपने सबने सुना होगा। और आपने कहाँ सुना कि लैट मसल को इंडिविजुअली ट्रेन करना है, तो आज जो ये पंख है ना, तो ये जो है लैट पंख, तो आज पंख फैला देंगे, लेट्स डू इट, कम ऑन। और पहली एक्सरसाइज है अभी, लेट्स डू इट, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 12। वेट ठीक था, अच्छा वेट था, 12, 11, 10, 9, 3, ये जर्क था ज्यादा, 2, हाँ, एल्बो को पीछे खींचो जितना खींच सकते हो, ये 12। वी आर डन विद 3 सेट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट ब्रेक लेते हैं थोड़ा। बाइसेप्स ट्राइसेप्स आ चुका है, चेस्ट आ चुका है, बैक आ चुका है, शोल्डर आ चुका है, बट बहुत सारे लोगों ने बोला भैया आपने धोखा कर दिया कि लेग्स का व्लॉग ही नहीं आया, तो जल्दी लेग्स का व्लॉग भी आएगा और ताबड़तोड़ आएगा, उस दिन आपको पता चलेगा एक्चुअल लेग्स कैसे ट्रेन करते हैं। बट इसी के साथ साथ मेरा जो करंट फिजीक है उसका मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ, बट उसके पीछे का जो न्यूट्रिशन है पार्ट उसको भी पूरा एक दिन कैप्चर करना है, तो यानी डाइट भी हम करेंगे, बट बीच में ये जो वीडियो है इसमें हम लैट मसल ट्रेन कर रहे हैं, और इस तरह के छोटे छोटे मसल ग्रुप भी मैं ट्रेन करता हूँ, वो मैं शेयर करता रहूँगा। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, तो सेकेंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, यानी ये वाली ग्रिप, और मेरे दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस होगा 10 इंचेस, ठीक है। वेट मैं पहला सेट कर रहा हूँ तो 45 मैंने लगाया है, और क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन करते हैं, ये अच्छे से बैठो, पैर फंसा लो एंड दस पुल इट, सिक्स सेवन एंड 1। ये काइंड ऑफ मेरा मॉडरेट वेट था,
अब मैं वेट बढ़ाऊंगा सेकंड और तीन सेट करूंगा। मूवमेंट आपने देख लिया, रेस्ट करते हैं थोड़ा। और मेरा बॉडी फैट पहले से भी कम हो गया। सेकंड सेट करेंगे अब हम, थोड़ा हैवियर की साइड जाएंगे। आई थिंक 65 पे जा सकते हैं, बट ये मेक श्योर करेंगे हर सिंगल रेपिटेशन को आपको स्क्वीज करना है और फील करना है, ठीक है? लेट्स डू इट, कम ऑन। Like that. Tap. One. Two. Tap. No. Das. Gyana. Bara. अच्छा वेट था, 12 रेपिटेशन हो गए और मैं स्क्वीज भी कर पा रहा था। निकले थोड़े पंख बाहर, निकल जाएंगे। तो रेस्ट हो गया ऑलमोस्ट 60 सेकेंड। थर्ड एंड लास्ट सेट कर रहे हैं अपना, बट वेट बढ़ा, वेट और बढ़ा सकते हैं क्योंकि 12 मैंने आसानी से कर लिए थे। तो मैं अब 65 को 80 पे ले जाके ट्राई कर सकता हूँ। नहीं हो पाएंगे तो ड्रॉप सेट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने एक भी ड्रॉप सेट नहीं किया है। कम ऑन, लेट्स डू इट। हाँ, थोड़ा सा हैवी है, हल्का सा, बट एनीवे। दो और, दस कर लिया, वेट ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, 50 पे ले आऊं और 6 रेपिटेशन और करूंगा। आराम से चलो, 1 2 स्क्वीज। पांच, तो 10 और 5, 15 रेपिटेशन हो गया। हाँ, तो आज बातें कम, काम ज्यादा। थर्ड एक्सरसाइज पे आ गए हैं और एक्सरसाइज का नाम है 1 arm cable lat fly। 1 arm cable lat fly, इंटरेस्टिंग। तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों ने ये एक्सरसाइज करी होगी, बट करना, अलग ही लैट निकल आता है। जिसके लिए आपने ये देख लिया, क्रॉस केबल मशीन में पुली ऊपर लगा लिया, और ये इसके हम 2 ही सेट करेंगे। तो करना क्या है, पुली से दूर खड़े हो जाओ, ठीक है? जैसे आप क्रॉस केबल करते हो ना, और हैंडल को आगे लेके आते हो फॉर द चेस्ट, बट यहाँ पे हैंडल आपके पीछे जाएगा, ये हैंडल को पूरा खोलना है, ये, और लैट मसल को पूरा स्क्वीज करना है। तो अब देखना, लैट खुला 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 एंड स्क्वीज, 4 5 6 14 एंड 15। और बहुत ज़्यादा हैवी वेट की ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली वो लैट मसल खुला और स्क्वीज हुआ, तो उतना ही वेट लेना है। एक बार और देखो, एक हाथ से कर लिया तो दूसरे से करूँगा मैं, ये 1 2 3 4 12 13 14 15। 15 कर लिए, तो आपने देखा लैट मसल आता था, स्क्वीज होता था, वापस जाता था, बट सिंगल सिंगल हाथ से कर रहे हैं, सो दैट आप इंडिविजुअली साइड्स को ट्रेन कर पाओ। तो इससे आपके लैट मसल का प्रोपोर्शन जो है, सिमेट्री जो है, वो इक्वल हो जाती है। बट ये ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। इसके हम 2 ही सेट करेंगे, एक कर लिया हमने लाइट वेट से, अब एक हम करेंगे थोड़ा बढ़ा के, रेस्ट करेंगे। बट सो मैं सेकेंड सेट करूँगा और वेट बढ़ा दूँगा।
टू थ्री फोर फाइव 15। बिना ब्रेक के दूसरे हाथ से करेंगे। दो तीन चार पाँच 13 14 15। तो बेसिकली आपको हैंडल को यहाँ से पुल करते हुए अपने ग्लूट मसल की तरफ लाना है, ना बहुत पीछे, अंदर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से ये स्क्वीज स्ट्रेच स्क्वीज, दो सेट हो गया। और आप देख रहे हो कि मेरा जो लैट्स मसल है वो अब आपको अलग से दिख रहा होगा बाहर, तो यही ट्रेन करना है बस। चौथी एक्सरसाइज करेंगे। और बताओ, ठीक ठाक हो? हंसते वसते रहो, जीते रहो, और वर्कआउट करते रहो। वर्कआउट करने से दिल खुश रहता है। तो सारी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। चौथी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो है वन आर्म डिक्लाइन डंबल पुलओवर। अब सारी एक्सरसाइज सिंगल सिंगल आर्म से इसीलिए कर रहे हैं कि लैट मसल को ज़्यादा टारगेट करना है। तो मैं पहला सेट कर रहा हूँ 10 किलो से, और ये देखो बेंच को थोड़ा डिक्लाइन सेट कर दिया हमने। अब आप देखना क्या करना है, स्लाइड डाउन, ठीक है, एक एल्बो को स्लाइटली बेंड करना है इस तरीके से, और डंबल को पीछे लाना है, पूरा लैट मसल ये यहाँ से वापस स्क्वीज स्ट्रेच एंड स्क्वीज। बट जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नीचे मत लाना, हाथ को कंट्रोल करके लाना, 3 और लैट मसल से खींचना है डंबल को, डंबल को कनेक्ट करना है यहाँ, 4 12 रेपिटेशन, 5 6 12। अब दूसरे हाथ से तो करेंगे, बट जाके पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कितने लोगों ने ये एक्सरसाइज की है, वन आर्म डिक्लाइन डंबल पुलओवर। जल्दी करो कमेंट बॉक्स में कमेंट। ये गया एंड स्क्वीज, टू थ्री फोर फाइव कंट्रोल, एंड ये गया 12 स्क्वीज। तो एक सेट हो गया, दो ही सेट करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड सेट में मैं 10 की बजाय 12.5 का डंबल ले लूँगा। बट मूवमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। हो गया रेस्ट, अब हम जाएंगे 12.5, रेस्ट हो गया और सीधा वापस। ये गया मक्खन, 1 मक्खन, 2 3 4 14 मक्खन, 15। मक्खन मक्खन, दूसरे हाथ से करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, लेफ्ट से मक्खन नहीं है, 6 7 8 9, माँ कसम लेफ्ट से मक्खन नहीं है, 9 है, चैलेंज 10 5, 2
एक 15। हाँ सो ये आपके साथ नहीं सभी के साथ है। राइट से मैंने इजीली 15 कर लिए, बट लेफ्ट से थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। बट मैं दोनों हाथ से सेम वेट यूज करूंगा और नंबर ऑफ रेपिटेशन भी सेम रहेंगे। अगर मैं इससे 12 कर रहा हूँ तो इससे भी 12, इससे 15 कर रहा हूँ तो इससे 15, और अगर इसमें 12.5 आया तो इससे भी 12.5, वो आप ध्यान रखना। दो सेट खत्म। और आप कितने भी बड़े एथलीट बन जाओ या तुम कितने भी ज्ञानी हो, मैं ये रहा क्या है, ये आज मैं कर रहा हूँ ट्रैप्स और लैट्स, ये मेरा वर्कआउट शेड्यूल है। क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन, क्वालिटी मसल बिल्डिंग फॉर हाई प्रोफाइल बॉडी बिल्डर, 7 डे डबल स्प्लिट साइकिल वर्कआउट प्रिंसिपल। यानी आपने, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, आपने इस तरह का प्रॉपर डिज़ाइन वर्कआउट शेड्यूल अगर देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत कम लोगों को इतना टेक्निकल और इतना डेप्थ वर्कआउट शेड्यूल मतलब फॉलो करते होंगे। एंड थैंक्स टू सर, मतलब कमाल है यार। अब आप मेरी जो भी फिजीक देख रहे हो, अगर मैं ये सोचूं मेरा हो गया बस बन गई बॉडी बहुत, बट मैं आज भी ये वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। और सबसे मेन बात, मैं ये वर्कआउट शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज, जिसके हम करेंगे 2 सेट लैट पुल डाउन बिहाइंड द नेक, वो देखना आप कैसे करेंगे। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में हमें इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मैं बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन करने वाला हूँ उसकी ग्रिप होगी 32 इंच, ठीक है। वेट बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, 45, तो 32 इंच ग्रिप लेके ये बैठ जाओ, तो बैक को थोड़ा आगे बेंड करके इस तरीके से, ग्लूट्स आपके पीछे रहे और पुल करना है आपको पूरा, स्क्वीज, 4, 5, 6, 14, 15। और आपने देखा हमने जो तीसरी चौथी और पांचवी एक्सरसाइज कर रहे हैं सबके दो दो ही सेट कर रहे हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज और दूसरी के तीन तीन किए थे, उसके बाद दो दो ही कर रहे हैं, तो यानी एक सेट और करेंगे। बट आपको जब भी बार को पुल करना है पूरा लैट मसल स्क्वीज हुआ और फिर वापस जाएगा, स्क्वीज एंड रिलीज, बहुत ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं है, बट मसल को यूज़ करना है आपको। और इस एक्सरसाइज को आप बैक वाले दिन को छोड़ के किसी भी दिन कर सकते हो। लेट्स से मैं आपको बोलूं, आप 15 दिन में एक बार, यानी महीने में 2 बार, और मन करे तो हर 10वें दिन यानी महीने में 3 बार लैट मसल की एक्सरसाइज अलग से करो। जो बैक में आप करते हो ना, बेंड ओवर रो, वन आर्म डंबल रो, टी बार रो, लैट पुल डाउन, इनसे अलग इन एक्सरसाइज को आप महीने में 3 बार यानी हर 10वें दिन इंक्लूड कर सकते हो। ये 5 एक्सरसाइज, ठीक है। बट इसके अलावा भी कुछ है, इस सेट के बाद बताता हूँ। क्योंकि मैंने 15 कर लिए थे तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, जस्ट एक 5 किलो और बढ़ा रहा हूँ, 50 किलो। टू थ्री फोर फाइव पंद्रह, थोड़ा पानी पी लूँ, रेस्ट कर लूँ, फिर बताता हूँ।
तो एडिशन ये है कि मैं लैट मसल के साथ ट्रेपीजियस मसल भी अलग से ट्रेन करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ बारबल श्रक्स, जिसकी ग्रिप रहेगी 18 इंच। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है आप भी करो, बट अगर कर लोगे अपने लैट मसल वाले दिन तो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है, तो की जा सकती है। 4 सेट करेंगे। पहला सेट थोड़ा मीडियम वेट से कर रहे हैं, 15-15 किलो। सिक्स सेवन एट नाइन 15। अब लोग क्या है, इतना ज़्यादा हैवी वेट भर लेते हैं कि बस ये श्रक्स नहीं होता। शोल्डर को लिफ्ट करो और जितना कान के नज़दीक लाने की कोशिश कर सकते हो उतना करो। तो बेसिकली दोनों लिफ्ट होंगे, होल्ड इट हेयर एंड देन रिलीज इट, ये नहीं करना हाँ। बट यहाँ पे वेट बढ़ाया जा सकता है, तो मैं 10-10 किलो वेट और बढ़ाऊँगा। सो सेकेंड सेट कर रहे हैं, 10-10 किलो वेट बढ़ा लिया है, हमारा टारगेट है 12 रेपिटेशन। टू थ्री फोर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व 12 कर लिए, तो तीसरा सेट 5-5 किलो वेट बढ़ चुका है, और अगेन 12 रेपिटेशन करने का ट्राई करेंगे। थ्री हिप हिप फाइव इलेवन हिप ट्वेल्व 12। एक सेट और करेंगे, क्योंकि ट्रैप्स मसल के लिए मैं एक ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो इसीलिए 4 सेट कर रहा हूँ। सो लास्ट सेट कर रहे हैं सेम वेट से, वेट नहीं बढ़ा रहे। इलेवन ट्वेल्व बस लैट मसल करते हुए उतनी थकान नहीं होती, क्योंकि वेट मॉडरेट रहता है, कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान रहता है, और तो मेरा पूरा वर्कआउट ख़त्म हो गया। बट एज सच मुझे कुछ पता नहीं चला एज़ कम्पेयर टू जब मैं बैक करता हूँ या चेस्ट करता हूँ या शोल्डर करता हूँ या लेग्स करता हूँ। ब्लॉक की समाप्ति, क्विक इफेक्टिव वर्कआउट फॉर योर लैट मसल। वीडियो के मिड में मैंने आपको बता ही दिया था कि इसको कब कर सकते हैं, बेनिफिट क्या है। आई थिंक अब मैं तो अपनी पोस्ट वर्कआउट मील करूँगा, तो मैं वो पोस्ट वर्कआउट पहले प्री वर्कआउट ये ना दिखा के कट शॉर्ट लैट मसल के लिए आप बेस्ट वर्कआउट क्या कर सकते हो, जो मैं खुद करता हूँ डिज़ाइंड बाय सर। तो आप लोग भी फॉलो करो, एंड मैं अगले व्लॉग में इधर तो डाइट इधर लेग्स ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करूँगा ताबड़तोड़। तब तक हमारे साथ बने रहें, अपना ध्यान रखें और इस चैनल को प्यार दें। थैंक यू सो मच।